गाइस, वेलकम टू एएम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। आज जो है मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि जो एएम में से एम है मामा का जो है वो एक स्टे हेल्दी चैनल भी है। शायद आप लोग कुछ को पता भी होगा। तो अभी वो उसकी ना प्रिपरेशन कर रही हैं। उन्होंने ना एक रेमेडी थी जो कि उन्होंने खुद आजमाई हुई है, लेकिन ना उनको वो उन्होंने किसी की देखी थी तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ना ये मैं दूसरों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो उन्होंने फिर से लिंक लगा के ना उन्होंने कहा कोई भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह या क्वांटिटी वगैरह ना चेंज ना हो जाए, तो इस वजह से मैं जो ना वो नोट डाउन कर लेती हूँ, फिर मैं ना सबको स्टे हेल्दी में बताऊँगी वो। क्योंकि वो पता नहीं स्किन वगैरह की या मैंने अभी पूछा नहीं है, वो उसकी प्रिपरेशंस कर रही हैं। तो देखते हैं कि वो किस पे वीडियो उन्होंने स्टे हेल्दी पे डालनी है। तो अभी चलते हैं उनके पास और देखते हैं वो क्या कर रही हैं। अभी तो वीडियो देख के वो सब कुछ लिख रही हैं। तो अभी लाइट बंद करते हैं कमरे की। हेलो हेलो, आप क्या कर रही हैं स्टे हेल्दी के लिए? मैंने बताया सबको कि वीडियो बन के लिए आप डाल रही हैं। खुद आजमाया हुआ था आपने, तो आपने कहा दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं नीम के बच्ची को अपनी बेटी को कह रही थी कि नीम के बेटे बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैंने वीडियो लास्ट ईयर भी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें घर में बनाई थी और बनाती रहती हूँ। कभी गुलाब का रहे, फिर नीम की तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं कह रही हूँ कि गर्मी का स्टार्ट है, पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, या फिर एक्सेस ऑयल अगर आपके फेस पे आता है, फंगस छाइयाँ वगैरह, और ये एंटी एजिंग भी है, विटामिन सी ज़्यादा होने की वजह से नीम वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप नीम सोप बना के उससे शावर भी लेते हैं, नहाते भी हैं, उसको नहाने के लिए भी यूज़ करते हैं, तब भी ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बोली थी कि कई दफ़ा बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं होती, कुछ ज़्यादा चीज़ें हमें एलर्जी भी कर जाती हैं। तो जब आप खुद बनाएंगे बड़ी खुशी महसूस करेंगे और ज़्यादा ये टाइम भी नहीं लेता, बहुत थोड़े से देर में ही सब कुछ ये बन जाता है। बस थोड़ी सी जैसे बाकी चीज़ों की हमें आदत है, इसकी आदत अगर हम डाल लें तो काफ़ी हम खुशी महसूस करेंगे। तो मैं आपको ज़रूर, अभी तो बेटी पे आप कौन सी डालेंगी, किसकी डालेंगी? हाँ, वो मैं नीम की ही डालूंगी। स्टे हेल्दी मेरा चैनल है और एक एम के टर्निंग पॉइंट है, वो भी मेरा चैनल है। लेकिन वो ये है कि टर्निंग पॉइंट पे तो मैं मोटिवेशनल जो कोई बातें होती हैं जिससे मैं कोई भी, मैं खुद भी मोटिवेट हुई हूँ और जो जिन बातों ने मेरे दिल पर असर किया हो वो वाली बातें मैं उस पर बोलती हूँ। और जो स्टे हेल्दी है उसमें मैं कोई टिप एंड टेक्निक्स जो है इस तरह की उनके बारे में बात करती हूँ। तो आप देखें ज़रूर, फिर उनको आजमाएंगे तो आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा और आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मामा हमेशा जो है आजमा के चीज़ को बताती हैं, ऐसे ही नहीं कि किसी की सुन ली तो बता दी, आजमा के बताती हैं। और अभी जो सुन के लिख रही थी वो इसलिए कि कोई इंग्रेडिएंट छूट ना जाए, वैसे उन्होंने जो है आजमाई हुई चीज़ बताई। हाँ बिल्कुल, हमेशा ही है। और मैं ज़्यादा जो सुन के जिनसे मैंने सीखा है, मैं उनका आपा जुबैदा की बहुत सारी, मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं ये ठीक है कि कुछ चीज़ें मैंने खुद से भी की हैं, ऐड भी किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मैंने आपा जुबैदा की जो जितनी रेसिपी वो बताती थी उन्हीं को देख के मैंने सीखा, उन्हीं से ही वो शुरू से बहुत सालों से जो है मैं उन्हीं को देखती रही और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने ये स्टार्ट किया था। और फिर उसमें कुछ चीज़ कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे करके, क्योंकि आपा जो थी वो मेरे में पूरी दुनिया थी, वो ओवरऑल ही बहुत उनको नॉलेज थी, तो मैं ज़्यादा उन्हीं की रेसिपीज़ को देख के
तो फिर लिख लेती हूँ ताकि भूल ना जाऊँ। और लिखने के बाद मैं फिर काफ़ी सालों से, बहुत सालों से खुद से ट्राई कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आपा जो चीज़ें बताती थी, जो पकाने वाली भी थी और जो बनाने वाली भी थी, तो वो क्योंकि जैसे सारी चीज़ें बताती रहती थी तो मैं घर में वो सब चीज़ें बनाती रहती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो अब जब मैंने ये स्टार्ट कर ही लिया सामने आना, तो फिर मैंने बोला मैं इस पर भी डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यकीन है। थैंक यू अभी सुनने के के लिए, लिए। शुक्रिया। अभी के लिए खुदा हाफिज़। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमसे जुड़े रहें और अपनी मोहब्बत बरकरार रखें। थैंक यू। और टिप्स की जो है, अगर आपने वीडियोस देखनी है तो उसके लिए स्टे हेल्दी पे जाएं, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो कोई भी और भी बात हो तो यहाँ पे भी हम आंसर दे सकते हैं, कोई भी बात रिलेटेड हो स्किन वगैरह से, क्योंकि मामा करती रहती हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।